एक्वास्टार नहीं है क्या? घर या ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ तक और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों की। ट्रेड यूनियन नेता पीकेएस प्रसाद की 41वीं पुण्यतिथि पर सोमवार को सीटू और गैर राजपत्रित सरकारी अधिकारी संघ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सीटू और विभिन्न ट्रेड यूनियनों की क्रूसेट हाउस परिसर में बैठक हुई है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सीटू राज्य समिति के उपाध्यक्ष डीके अयप्पन ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा अपनाई जा रही मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जहां पीकेएस प्रसाद ने 1960 और 1970 के दशक में विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था, वहीं ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन अब श्रमिक वर्ग को मिलने वाले लाभों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीकेएस प्रसाद के नेतृत्व में ऑफिसर्स एसोसिएशन और ट्रेड यूनियनों ने द्वीपों में सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों को आवासीय आवास, LTC, वार्षिक मुफ्त समुद्री मार्ग, ज्वाइनिंग टाइम, अंडमान विशेष भत्ता, समय पर पदोन्नति आदि जैसे अधिकांश लाभ दिए हैं। इस अवसर पर पी बनर्जी ने पूरे द्वीपों में पीकेएस प्रसाद के नेतृत्व में किए गए आंदोलनों के बारे में संक्षेप में बताया। एनजीओ एसोसिएशन की दक्षिण अंडमान शिक्षक शाखा के उपाध्यक्ष SB चौधरी और एनजीओ एसोसिएशन के सहायक महासचिव SL विनजीत ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। अध्यक्षता सीटू राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष BC भट्टाचार्य जी ने की है। कार्यक्रम में विभिन्न यूनियनों और एनजीओ एसोसिएशन के बड़ी संख्या में श्रमिकों और कर्मचारियों ने भाग लिया। डिगलीपुर में भी पीकेएस प्रसाद की पुण्यतिथि मनाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसे सीटू डिगलीपुर जोनल कमेटी के उपाध्यक्ष सुनील बेपारी ने अन्य लोगों के अलावा संबोधित किया। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।